फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिमिटलेस क्रिएशंस बाय मौसमी। चलिए आज हम चलते हैं डेमिट्स। डेमिट्स जगदा में है, जगदा में जो राउरकेला का जगदा है, आप लोग सारनाछक पहुंचेंगे, सारनाछक से सीधा रास्ता जाता है डेमिट्स को। डेमिट्स एक MBA MCA कॉलेज है, BBA BCA MCA MBA है, उसमें पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा कॉलेज है। आप लोग एक बार देख लीजिए डेमिट्स कैसा है, कैसा लगता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और वो उनका टीचर्स कैसे हैं, उनका लैब कैसा है, सब कुछ देख लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा आपको पढ़ना है कि नहीं। आप लोग एक बार जाकर घूम के आइए, देख के आइए, फिर आप बोलिएगा कैसा लगा आप लोग को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट देना, मैं जा रही हूँ आप लोग को घुमाने, घूम के आएंगे और कमेंट दीजिएगा कैसा लगा आप लोग को डेमिट्स। चलिए फिर चलते हैं। देखिए हम अभी डेमिट्स पहुँच गए हैं। ये डेमिट्स का फ्रंट का व्यू है, ये एंट्रेंस है, ये बाहर का व्यू है जो कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है। यहाँ पर बहुत सारे क्लासरूम्स है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, आपको मैं अंदर लेकर सब दिखाऊंगी। चलिए देखते हैं फिर डेमिट्स में क्या क्या है। ये यह है यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जो 24 आवर रहता है। यहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर भी है, राइट साइड में गणेश जी का मंदिर है। तो आप लोग चलिए पहले हम गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर शुरू करते हैं हम डेमिट्स को घूमना और वहाँ पर क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और कैसा पढ़ाई होता है, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जानेंगे डेमिट्स के बारे में। प्रणाम कर लीजिए आप लोग। यह है यहाँ का प्रिंसिपल के ऑफिस। चलिए प्रिंसिपल सर से मिलते हैं, उनको पूछते हैं कॉलेज के बारे में क्या है। यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं, यहाँ पर वेटिंग के लिए है सोफा और हम पहुँच गए हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। सर गुड मॉर्निंग। यह है डॉक्टर भवानी शंकर दास जो कि डेमिट्स का प्रिंसिपल है। चलिए हम कुछ जानते हैं कॉलेज के बारे में। सर कुछ बताइए कॉलेज के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट साइंस जो पॉपुलरली नोन एज डेमिट्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2001। ये कॉलेज है नाक एक्रीडिएटेड, AICTE अप्रूव्ड और बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड संबलपुर यूनिवर्सिटी से अनुबंधित। यहाँ से स्टूडेंट लोग MBA MCA BCA BBA कोर्स कर सकते हैं। कॉलेज हमारा 400 से 450 स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जो STSC स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए स्टाइपेंड यहाँ मिलता है गवर्नमेंट का तरफ से, इसीलिए वो लोग फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं और कोर्स फी भी बहुत रीजनेबल है। बाकी कॉलेज आप आइए, एक बार देख के जाइए, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हम लोग के पास सारे चीज़ है जो एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू सर आपको। चलिए कॉलेज अभी घूम आते हैं, कॉलेज देखते हैं। चलिए टीचर लोग हाईली क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बच्चे जब तक समझ ना जाए उस तक वो लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। जैसे कि सर ने बताया STSE बच्चों के लिए पूरा फ्री में पढ़ाई होता है और दूसरे बच्चों के लिए बहुत रीजनेबल प्राइस है, बहुत कम प्राइस में पढ़ाया जाता है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनका जो लैब आपको सब दिखाऊंगी मैं, सब देखकर आप बताइएगा कैसा कॉलेज है। बहुत अच्छा है सब कुछ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगता है आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यह GD रूम मतलब ग्रुप डिस्कशन रूम, यहाँ पर बच्चे लोग ग्रुप में बैठकर पढ़ाई करते हैं। अभी हालांकि कॉलेज छुट्टी हो गया है, मैं छुट्टी के टाइम आई हूँ इसीलिए बच्चे लोग नहीं दिख रहे हैं, सब चले गए घर। 11 बजे तक अभी होता है क्लास। ये है सेमिनार हॉल।
ये है कंप्यूटर लैब इसका। मैडम और लाइट नहीं? बस ये इतनी ना। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर, 100 से ज़्यादा होगा कंप्यूटर यहाँ पर। बच्चे लोग एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर एग्जाम भी होता है। और एक कंप्यूटर लैब है यहाँ पर, देखिए 100 से ज़्यादा कंप्यूटर है। अंदर में भी एक है, मैडम टोटल कितना कंप्यूटर है यहाँ पर? टोटल सारे लैब्स को मिला के 191। मैं तो कुछ कम बोल दी, 100 बोल दी। अच्छा 191 है। देखिए यहाँ पर सारी सुविधा आपको मिल सकता है। और ये है यहाँ की सेमिनार हॉल, यहाँ पर सेमिनार होता है, जो कुछ मीटिंग वीटिंग होता है यहीं पर होता है। बेसिकली दिस इज दैट प्लेटफॉर्म मैम, लाइक वेयर स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट चांस सो दैट दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड कम फॉरवर्ड स्पीक फॉर देमसेल्फ, लाइक वी यूज्ड टू टीच देम लाइक देयर बॉडी लैंग्वेज, द वे ऑफ स्पीकिंग, एंड दिस इज द पार्ट वेयर दे कैन शो द प्रेजेंटेशन and along with the presentation so that they can work more and more for their higher professional goals. Okay. आपका नाम क्या है? प्रमिला। और आप क्या पढ़ाते क्या है? जी मैं फैकल्टी हूँ और आईटी मेरा आईटी सेक्शन है। जी आईटी प्रोफेशन है और बेसिकली मैं पढ़ाती हूँ सारे डेटाबेस के ऊपर में, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, DBMS हो गया, सो दीज ऑल आर द सब्जेक्ट विच आई एम टेकिंग। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना अच्छे से सजाए हैं कॉलेज को, देखने से ही बहुत सुंदर लग रहा है। ये है यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी, चलिए लाइब्रेरी घूमते हैं। आरती मैडम पूछो। हाँ मैम। ये है यहाँ का लाइब्रेरी। मैडम गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। देखिए कितने सारे किताब हैं, जो चाहोगे वो पाओगे, जो किताब आपको पढ़ना चाहिए वो आपको मिल जाएगी। कितने सारे बुक्स हैं यहाँ पर, बच्चे लोग को किताब खरीदना नहीं पड़ता, यहाँ से लेकर वो पढ़ाई करते हैं। अभी हालांकि आज छुट्टी हो गया है अभी, इसलिए बच्चे नहीं है। और ये है इनका डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ पर बच्चे लोग कंप्यूटर में बैठकर पढ़ाई करते हैं। सबका हेडफोन भी है। पूरा बच्चे लोग शांति से बैठकर पढ़ते हैं। ये देखिए कितना शांत परिवेश है। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं,
इनका स्टाफ कॉमन रूम देखते हैं। ये है इनका स्टाफ कॉमन रूम। चलिए देखते हैं कौन टीचर हैं अंदर। दिस इज प्रीति हियर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आईटी। आई एम एक्चुअली हैंडलिंग क्लासेस ऑफ सिक्स सेमेस्टर बीसीए। आई टीच डेटा साइंस फॉर देम एंड फोर्थ सेम बीसीए आल्सो। एज ऑफ नाउ आई टीच कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई विल बी हैंडलिंग एमसीए फर्स्ट सेम सेकेंड सेम स्टूडेंट्स एंड आई विल बी टीचिंग देम इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। थैंक यू। यह है इनका क्लासरूम। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, देखिए। प्रोजेक्टर में दिखाया जाता है, यह प्रोजेक्टर, इसमें आपको पढ़ाए जाते हैं। ये कॉलेज बहुत अच्छा है, मुझे तो बेस्ट लगा। यहाँ का रिजल्ट भी 100% होता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। देख लीजिए, यहाँ पर बस भी प्रोवाइडेड है, बच्चे लोग बस में जाना आना कर सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, आपको फीलिंग्स आएगा कि मैं भी इतना बड़े कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बिल्डिंग। सिर्फ इसका बिल्डिंग अच्छा नहीं है, इसका पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। ये हॉस्टल है, यहाँ का अंदर जाना अलाउड नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज़ हॉस्टल कैंपस के बाहर है। ये है यहाँ का कैंटीन, खाना पीना भी यहाँ पर मिल जाता है। ये अभी दरवाज़ा बंद है, नहीं दिखा सकते। ये देखिए, ये इनका हॉल है जहाँ पर सारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन का कार्यक्रम सब होता है। वाओ, देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है बिल्डिंग, कितना अच्छा है, कितना सारे क्लासरूम है, कितने सारे फैसिलिटीज़ हैं। आप लोग आइए, कॉलेज देखिए, घूमिए, फिर जाकर डिसाइड कीजिए एडमिशन लेना है कि नहीं। और ये है इनका अकाउंट्स रूम। यहाँ पर अकाउंट्स के काम किए जाते हैं। देखिए कॉलेज के अंदर से ऐसा व्यू है, बहुत सुंदर है कॉलेज। आप लोग आइए देखकर, फिर फैसिलिटीज समझकर, प्रिंसिपल से मिलकर डिसाइड कीजिएगा आपको पढ़ना है कि नहीं। आप लोग आकर यहाँ पर पढ़ के देखिए, गारंटी देती हूँ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ या ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय।